मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई परिवार नहीं वाले तंज पर अब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रक्रिया कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी ने करारा जवाब दिया है, पीएम मोदी ने जो कहा वह सही है, पूरा देश उन्हें अपना परिवार मानता है, इसलिए इस तरह के ओछे बयान देना सही नहीं है। वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने दशकों तक राजनीति में बिताया है और राज्य का सीएम रहा है। अगर इतना वरिष्ठ नेता ऐसे बयान देता है तो इससे लोग निराश होते हैं। राजनीति में गरिमा बनाए रखना जरूरी है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार तो हम क्या कर सकते हैं, वह राम मंदिर के बारे में डिंगे मारते रहते हैं, वह सच्चे हिंदू ही नहीं है। हिंदू परंपरा में एक बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवाना चाहिए। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो मोदी ने ऐसा नहीं किया। लालू यादव के इस बयान पर प्रधानमंत्री ने भी पलटवार किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है और उन्होंने वंशवादी पार्टियों को आलोचना करते हुए कहा कि वे उनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन झूठ और लूट उनका सामान्य चरित्र था। बता दें प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं, इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस तरह के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते, और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे, 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी, मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे लिए हैं और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया।
लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जानकर के खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है, इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं, वो कहते भाई मंच पे दिया था वो तो उनका है, मैंने इसको भी